हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 12th पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अभी तक ग्रुप 15, 16 एंड 17 कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसे एक ही लेक्चर में ग्रुप 18 को कंप्लीट करने वाले हैं। ग्रुप 18 जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है, इनर्ट गैसेज नॉबल गैसेज का ग्रुप है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। ग्रुप 18 नॉबल गैसेस, और इनर्ट गैसेस मेंबर्स आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86 एटॉमिक नंबर्स हैं। लास्ट ग्रुप है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इनर्ट होने की वजह से या आउटमोस्ट शेल फुलफिल होने की वजह से इसको हम इनर्ट गैसेस, जो पी ब्लॉक की इनर्ट गैसेस हैं उनके साथ पढ़ते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है वो कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है ns2 एंड np6, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वैलेंस शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऑल आर गैसेस टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड मोनोएटॉमिक। रेडॉन इज रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, इनमें से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट विच इज ज़ेनॉन। ज़ेनॉन इज रिएक्टिव इनर्ट गैस क्योंकि ज़ेनॉन के बहुत से कंपाउंड प्रिपेयर किए गए हैं, इसलिए यहां पे ज़ेनॉन रिएक्टिव इनर्ट गैस है। ज़ेनॉन के साथ साथ क्रिप्टॉन का भी एक कंपाउंड होता है। ज़ेनॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो फ्लोराइड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीफ्लोराइड्स हो सकते हैं। फ्लोराइड्स में ज़ेनॉन का डाई फ्लोराइड है XeF2, ज़ेनॉन का टेट्रा फ्लोराइड है XeF4 एंड ज़ेनॉन का ही हेक्सा फ्लोराइड है XeF6। इसी टाइप से ऑक्साइड्स में दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं XeO3 एंड XeO4, ये दो टाइप के ऑक्साइड्स हैं। ऑक्सीफ्लोराइड्स में XeOF2 ऑक्सीजन और फ्लोरीन होंगे, XeOF2O2F2 एंड XeOF4 ये ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं। इनमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहां पे ज़ेनॉन +2 में है, यहां पे +4 में है और यहां पे +6 में है। यहां पे ज़ेनॉन +6 में है, यहां पे ज़ेनॉन +8 में है। +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्रेस करती है ज़ेनॉन। यहां पे अगर देखें तो ये +4 में है, यहां पे +6 में है और यहां पे ये +6 में है, यानी कि ज़ेनॉन यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। रही बात क्रिप्टॉन की, क्रिप्टॉन का केवल एक ही टाइप का कंपाउंड नॉन है विच इज KrF2। क्रिप्टॉन का डाइफ्लोराइड विच इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है। इसी टाइप से रेडॉन, रेडॉन का भी केवल एक ही टाइप का कंपाउंड नॉन है RnF2, जिसको आइसोलेट नहीं किया गया है, ट्रेसर टेक्निक्स में देखा गया इसको। हीलियम, नियॉन एंड आर्गन इनके कोई भी कंपाउंड नॉन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस,
नंबर फर्स्ट एटॉमिक साइज, विच इज इंक्रीज्ड अप टू डाउन, ऊपर से नीचे चलने पे इंक्रीज होता है। सबसे छोटा साइज हीलियम का है, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, की एक्सप्लेन नहीं करते हम क्योंकि इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रखती हैं, तो हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। हीलियम इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा हीलियम की होती है। और अपने पीरियड में अगर देखें तो अपने पीरियड में इनर्ट गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। हायर आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर पीरियड, इट इज ड्यू टू fulfilled outermost cell होने की वजह से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीज अप टू डाउन है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज्ड अप टू डाउन ये डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा हीलियम की है, उससे कम फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन एंड रेडॉन। और सबसे ज्यादा हीलियम की मैं आपको बता चुका हूं, विच इज 2372 किलो जूल पर मोल, जो कि पूरी पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा है। रेडॉन के लिए 1086 किलो जूल पर मोल है, यानी अपने पीरियड के अंदर इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। थर्ड इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ड्यू टू फुलफिल आउटरमोस्ट शेल These are non-reactive or least reactive, non-reactive है या फिर least reactive है, called noble gases. Sorry, called inert gases. Reactive नहीं होने की वजह से इनको हम नाम देते हैं inert gases की, inert gases हैं। और सभी जो इनर्ट गैस है वो मॉलिक्यूल जो बनाती है वो मोनो एटॉमिक होता है। इनर्ट गैसेस हैविंग मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ऐसा हुआ। फोर्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इम्पोर्टेंट थिंग है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं सभी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैसेस फुलफिल सबशेल होने की वजह से ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन रखती है, इसलिए नया आने वाला इलेक्ट्रॉन या न्यू जो एडिंग इलेक्ट्रॉन है ये उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उससे इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें, जिसकी वजह से ऑल इनर्ट गैसेस हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ड्यू टू फुलफिल सबसेट, फुलफिल कॉन्फिगरेशन। इनमें जो ऑर्डर आता है इनर्ट गैसेस के लिए उनमें सबसे ज्यादा नियोन का होता है और सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी होती है वो होती है हीलियम की। तो ये ऑर्डर जनरली पूछा जाता है। इस ऑर्डर में आएगी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी नियोन इज ग्रेटर देन आर्गन इज इक्वल टू क्रिप्टॉन। आर्गन और क्रिप्टॉन की सेम होती है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इज ग्रेटर देन ज़ेनॉन इज ग्रेटर देन रेडॉन इज ग्रेटर देन हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे कम होती है पॉजिटिव के अंदर। क्यों होती है कम? इसका बेसिक रीजन ये है कि उसके पास न्यूक्लियस में दो ही प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी होते हैं। नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को दो जो प्रोटॉन है वो बहुत ज्यादा अकोमोडेट नहीं कर पाते, इसलिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? नियोन। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की जो वैल्यूज है नियोन के लिए आती है 116 किलो जूल पर मोल, आर्गन के लिए 96, क्रिप्टॉन के लिए भी 96 किलो जूल पर मोल, दोनों की इक्वल होती है। इन केस ऑफ ज़ेनॉन इट इज 77 किलो जूल पर मोल, इन केस ऑफ रेडॉन इट इज 68 किलो जूल पर मोल एंड इन केस ऑफ हीलियम इट इज 48 किलो जूल पर मोल। तो ये ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर जनरली इसके अंदर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है। फाइव, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी, स्पेरिंग भी सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। सिक्स्थ, इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। लीस्ट वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की बहुत कम वैल्यू होती है। इसका बेसिक रीजन ये है कि इनर्ट गैसेस होने के साथ साथ ही मॉलिक्यूल तो फॉर्मेट करती नहीं, और मॉलिक्यूल नहीं फॉर्मेट करती तो जो एटम है उसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं हो पाता है, इसलिए इनके अंदर वैंडरवाल वीक फोर्सेज तो होंगे नहीं, केवल डिस्पर्शन फोर्सेज होंगे, वो भी वीकेस्ट विच आर लंगल फोर्सेज, यानी ओनली वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक लंदन फोर्स और डिस्पर्शन फोर्सेस। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होता है विच इज 4.2 केल्विन। हीलियम का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो कितना है? 4.2 केल्विन है। अगर अकरेंस की बात करें हम तो सभी जो गैसें हैं रेडॉन को छोड़कर एक्सेप्ट रेडॉन ऑल इनर्ट गैसेस फाइंड इन एटमोस्फियर रेडॉन जो होती है वो रेडियोएक्टिव डीके से बनती है। कौन से रेडियो? रेडॉन के जो रेडियम के रेडियोएक्टिव डीके से बनती है। रेडॉन इज फॉर्म फॉर्म बाय रेडियोएक्टिव डीके ऑफ रेडियम 226 88। इसके रेडियोएक्टिव डीके से बनती है, इस टाइप से बनेगी अल्फा डीके होगा इससे 88 226 अल्फा डीके से रेडॉन बनेगी। रेडियोएक्टिव सीरीज में बनती है 86 एंड 222 प्लस में एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा और प्लस में एनर्जी, अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, एनर्जी रिलीज होती है रेडियोएक्टिव डीके से बनती है। इसके अलावा हीलियम और नियोन जो गैसेस हैं वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के साथ रेडियोएक्टिव जो न्यूक्लियस रिएक्शंस होती है उनके साइड प्रोडक्ट होते हैं। हीलियम एंड नियोन आर
साइड प्रोडक्ट, जैसे साइड प्रोडक्ट यहाँ पे लिया गया तो हीलियम है ये, विच इज अल्फा पार्टिकल ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, लाइक पिंच ब्लेंड, मोनोजाइट, क्लेवाइट। इनके अंदर ही प्रेजेंट होती है। हीलियम का मेन कमर्शियल सोर्स जो है वो नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के अंदर भी हीलियम पाई जाती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनर्ट गैसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस, एक्चुअल में इनर्ट गैसेस होती है केमिकली रिएक्टिव नहीं होती है, इनर्ट टाइप की होती है, इसलिए उनको इनर्ट गैस या नोबल गैस नाम दिया हमने। नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू, नंबर फर्स्ट, फुल फिल आउट मोशन, और हम कह सकते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से और फुल फिल ऑटोमोशन की वजह से ये इनर्ट होती है, रिएक्टिव नहीं होती है। एंड सेकंड, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू की वजह से और आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से, या फिर फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होने की वजह से जो इनर्ट गैसेज होती है, नोबल गैसेज होती है, केमिकली इनर्ट होती है, केमिकली रिएक्टिव नहीं होती। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। फिर भी सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेट करता है जीनोन। सबसे पहले जो जीनोन का कंपाउंड बनाया था वो 1962 में नील बार्टलेट ने बनाया था, उसने कंपेयर करके बनाया था कंपाउंड को। इन 1962 नील बार्टलेट इसने ऑक्सीजन के साथ PTF6 की, जो कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन की PTF6 के साथ रिएक्शन करवाई, विच इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड प्रिपेयर किया अपनी लैब में, विच इज O2+ एंड PTF6-। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस के अंदर है, O2+ का मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड के अंदर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज प्लस हाफ, क्योंकि दो ऑक्सीजन पे प्लस वन है तो एक ऑक्सीजन पे कितना होगा प्लस हाफ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो मोलिकुलर ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, इसलिए एटॉमिक ऑक्सीजन की कितनी होगी प्लस हाफ हो चुकी है। तो इसमें इसने कंपेयर किया कि जब PTF6 को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराते हैं, विच इज मॉलिकुलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसी है मॉलिकुलर है, तो PTF6 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से वो मॉलिकुलर ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी मॉलिकुलर ऑक्सीजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है प्लस हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट में आ चुकी है, और PTF6 प्लेटिनम जो था F6 यहाँ पे यूज किया गया, प्लेटिनम यहाँ +6 में था, प्लेटिनम यहाँ पे किसी में चला गया माइनस का चार्ज आ गया +5 में आ गया, मीन्स कैसा ये +6 से +5 में आ चुका है, इसका मतलब इसका तो क्या हो चुका है यहाँ पे रिडक्शन, और ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मीन्स PTF6 इजीली ऑक्सीडाइज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन
फिर इसने देखा नील बार्टलेट ने कि जो मोलिकुलर ऑक्सीजन होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक ज़ीनोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज से अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 अप्रोक्स इक्वल then atomic xenon atoms का साइज देखें, हम molecular साइज देखें तो approximately इक्वल होते हैं। अगर हम ionization energy की बात करें दोनों की तो O2 molecular ऑक्सीजन की जो ionization energy होती है which is 1175 किलोजूल पर मोल, मोलिकुलर की है ये, एटॉमिक की नहीं है। और ज़ीनोन जो एटॉमिक ज़ीनोन है उसकी भी होती है 1170 किलोजूल पर मोल, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसी टाइप से एटॉमिक साइज और या साइज की बात करें हम तो साइज में अगर हम देखें तो मोलिकुलर ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो 175 पिकोमीटर होता है। इसकी रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रेडियस है ही। और जो एटॉमिक ज़ीनोन है इसकी जो रेडियस होती है 172 पिकोमीटर होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू नील बार्टलेट ने बताया जिस टाइप से पीटीएफ सिक्स ने मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज किया तो उसके बाद उसने पीटीएफ सिक्स की रिएक्शन ही ज़ीनोन के साथ कराई क्योंकि दोनों के आयनाइजेशन पोटेंशियल लगभग इक्वल थे। तो ज़ीनोन के साथ भी उसी टाइप का कंपाउंड उसने प्रिपेयर किया। तो सबसे पहला बनने वाला जो कंपाउंड था ज़ीनोन का जो नील बार्टलेट ने अपनी लैब में बनाया ज़ीनोन के लिए पीटीएफ सिक्स के साथ रिएक्शन करवाई उसने और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था सिमिलर कंपाउंड इसने प्रिपेयर किया एक्सी जो प्लस में था एंड पीटीएफ सिक्स जो कि माइनस में था। यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ज़ीनोन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो पीटीएफ सिक्स की प्रेजेंस में ज़ीनोन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे ज़ीनोन वो जीरो में है और यहाँ पे प्लस वन में आ चुका है, यहाँ पे प्लेटिनम प्लस सिक्स में और यहाँ पे प्लस फाइव में आ चुका है। यानी पीटीएफ सिक्स ने ज़ीनोन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, विच इज एटॉमिक ज़ीनोन। ये जो कंपाउंड प्रिपेयर हुआ था इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ज़ीनोन जो कि ज़ीनोन की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसके बाद ज़ीनोन की हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ट्रीटमेंट से बाकी के कंपाउंड प्रिपेयर किए गए। आफ्टर दैट कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनोन प्रिपेयर्ड विद रिएक्शन ऑफ हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। तो ज़ीनोन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड प्रिपेयर करता है। उसका बेसिक रीजन ये है कि हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ही हम इसको ऑक्सीडाइज करवा पाते हैं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो ज़ीनोन के ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ डिफरेंट टाइप के कंपाउंड प्रिपेयर हुए। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ज़ीनोन के फ्लोराइड्स की। फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनोन, ज़ीनोन के जो फ्लोराइड हम बता चुका हूँ आपको, तो ज़ीनोन का डाई फ्लोराइड है HCF, एक HCF4 है और एक HCF6 है। तीनों को हम ज़ीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं। ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ज़ीनोन विद फ्लोरीन इन डिफरेंट रेशियो
एंड डिफरेंट कंडीशंस। डिफरेंट रेशियो डिफरेंट कंडीशंस में हम इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। जीनोन की ही फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जीनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एंड जीनोन की हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अगर रिएक्शन 1:2 में करवाते हैं मोलर रेशियो है, 1:5 में करवाते हैं मोलर रेशियो है, और 1:20 में करवाते हैं मोलर रेशियो है। और जनरली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं विच इज निकेल। डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन रखते हैं इसमें। कैटलिस्ट हमने यहाँ पे निकल लिया है, या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क यूज कर सकते हैं। उसकी प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पे जीनोन की 1:2 के अंदर रिएक्शन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड विच इज HCF2 विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। HCF2 की 873 केल्विन टेम्परेचर और 7 बार प्रेशर पे रिएक्शन से HCF4 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2 यूज कर सकता हूँ। और 573 केल्विन टेम्परेचर 60-70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और बार प्रेशर पे HCF6 बनता है। यहाँ पे मैं 3 यूज कर सकता हूँ। ये रिएक्शन देखने की है। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड भी सॉलिड होता है, HCF6 भी सॉलिड होता है। तीनों का अगर कंपेयर करें तो रूम टेम्परेचर पे तीनों ही सॉलिड होते हैं और तीनों ही सब्लिमेट सॉलिड है। HCF2, HCF4 एंड HCF6 आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सब्लिमेट एट 298 केल्विन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ज़ीनोन डाइफ्लोराइड विच इज 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड विच इज 107 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड विच इज 49 डिग्री सेंटीग्रेड। 49 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, कौन से पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। इसी तरह से जो कंपाउंड बना था OTPaTF6 प्लस और माइनस में, ये ऑरेंज और रेड कलर का सॉलिड था और XC प्लस और PTF6 में भी रेड कलर का सॉलिड था। ये कंपाउंड शुरुआत में प्रिपेयर हुए थे तो जीनोन का। और ये तीनों ही क्या है, इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं। दीज आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड एंड कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड। इनसे इसके ऑक्सी कंपाउंड्स या फिर ऑक्सी फ्लोरो कंपाउंड्स बनते हैं इन तीनों से। HCF2, HCF4 एंड HCF6 आर फ्लोरेटिंग एजेंट। ये सभी फ्लोरेटिंग एजेंट है, यानी रिएक्शन में फ्लोरीन सप्लाई के टाइप से ये यूज होते हैं। जैसे कि HCF2 की रिएक्शन जब हम PF5 के साथ करवाते हैं, देन इट कन्वर्टिंग टू HCF+, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनता है जिसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है HCF पे, एंड PF6- आयनिक टाइप का कंपाउंड बन जाता है। यानी कि इसने इसको एक फ्लोरीन F- की फॉर्म में सप्लाई कर दी। इसी टाइप से HCF4, इसकी PF5 या SBF5 के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें भी क्या होगा, कंपाउंड इसी टाइप से फॉर्मेट होगा। HCF3+, यानी एक फ्लोरीन यहाँ से यहाँ सप्लाई हो जाएगी F- की फॉर्म में, एंड SBF6- इस टाइप की कंपाउंड फॉर्मेट होगा। यहाँ पे भी फ्लोराइड सप्लाई है इसकी। इसी टाइप से इसके अगर हम किसी मेटलिक फ्लोराइड MF के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, वेयर M कैन बी एल्की मेटल
लाइक सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, इनके फ्लोराइड के साथ, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रूबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड के साथ जब इसको ट्रीट करवाते हैं, तो उस कंडीशन में मेटल बाहर आ जाती है पॉजिटिव में और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपाउंड बनता है XeF7-, इस टाइप के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर्स XeF2 sp3 डी हाइब्रिड है, 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है इसमें। बीपी का मतलब है यहां पे बॉन्ड पेयर्स। इसी टाइप से XeF4 sp3 d2 हाइब्रिड है विद 2 लोन पेयर्स एंड 4 बॉन्ड पेयर्स। इसी टाइप से XeF6 विच इज sp3 d3 हाइब्रिड, 1 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं XeF2 की बात करूं, सेंटर में जीनॉन है, एक फ्लोरीन यहां है, एक फ्लोरीन यहां है, ये 3 नॉन पेयर है, हाइब्रिड स्टेट sp3d है और लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। इसी टाइप से मैं XeF4 की बात कर रहा हूं यहां पे, XeF4 के केस में सेंटर में जीनॉन सेंटर में है, 4 फ्लोरीन है, जीनॉन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और बाकी फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 तो ये हो गए एंड 2 डीज 14 लोन पेयर है। इसके केस में 1 2 एंड 3 3 इस पे और 3 इस पे 9 लोन पेयर है, जीनॉन के पास 3 है, उसमें ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रख रहा है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा और इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 90 डिग्री के प्रेजेंट होंगे। इन केस ऑफ XeF6, अगर हम XeF6 को देखते हैं तो XeF6 sp3d हाइब्रिड है, d3 हाइब्रिड है, जीनॉन सेंटर में है, एक लोन पेयर है और ये 6 फ्लोरीन स्टैक से है। इट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर देखते हैं तो सभी फ्लोरिंग पे 3-3 लोन पेयर हैं। इसलिए यहाँ पे 6 फ्लोरिन होने की वजह से 18 तो ये हो गए और इसके पास होगा टोटल 19 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी स्ट्रक्चर है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरिन। ऑक्सी कंपाउंड्स ऑफ जीरोन के ऑक्सी कंपाउंड्स। सबसे पहली बात है कि ऑक्सी कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए हम डायरेक्ट उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी। तो नंबर फर्स्ट पे मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिसिस, और वो भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। तो भाई कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम बात करते हैं XeF2 की, ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है XeF2 को जब कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करते हैं देन इससे जीनॉन सेपरेट होती है प्लस में HF प्लस H2O बनता है, सॉरी O2 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 यूज कर सकते हैं, जीनॉन यहाँ पे सेपरेट हो गई, 4HF यहाँ पे हो जाएगा, 4 था ना, 4HF यहाँ पे होगा, इसको हमने 2 कर लिया, देन जीनॉन यहाँ पे 2 हो गई है और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे नॉट फॉर्म ऑक्सी कंपाउंड ऑफ जीनॉन, जीनॉन का ऑक्सी कंपाउंड यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होता। लेकिन अगर हम XeF4 लेके चलते हैं, XeF4 का जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक्सप्रेस होती है जिससे जीनॉन बनता है, XeO3 बनता है,
यानी HCl4 और HCl6 का अगर कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन होता है तो HCO3 बनता है, प्लस में HF बनता है और प्लस में ऑक्सीजन यहां से रिलीज होगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 6 12 4 2 24 एंड 3 इस टाइप से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। 6 जीरोन है, 4 + 2 6 जीरोन हो गए, फ्लोरीन यहाँ पे 24 हो चुके हैं, देन फ्लोरीन यहाँ पे 24 हो गए हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 24 हो चुकी है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 24 हो गई है, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 हो चुकी है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और प्लस में 6 12 हो चुकी है। तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन से। जीनोन यहाँ पे प्लस 4 में है, जीनोन यहाँ पे 0 में चला गया और प्लस 6 में चला गया, यानी कि प्लस 4 से जब ये 0 में गया देन रिडक्शन, और प्लस 4 से ही जब ये प्लस 6 में गया देन ऑक्सीडेशन। तो जीनोन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ, उस कंडीशन में जीनोन का HCO3 बनेगा, और जीनोन यहाँ पे एटॉमिक जीनोन यहाँ पे सेपरेट होगी, इसमें भी एटॉमिक जीनोन बनती है, इसमें भी एटॉमिक जीनोन और HCO3 बनता है। अगर हम HCF6 का कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उस कंडीशन में HCO3 प्रिपेयर होगा। HCF6 का कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं H2O के साथ, देन यहां प्रिपेयर होता है HCO3 प्लस HF। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पे हम 3 ऑप्शन यूज करनी है, देन 3 एंड 6 क्या बनता है कंपाउंड, HCO3 बनता है। यहां पे ये प्लस 6 में है और ये भी यहां पे प्लस 6 में है, तो यहां पे कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है, देन इट इज ज़ीनोन ट्राइऑक्साइड, ज़ीनोन का यहां पे ट्राइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो गई, बाय कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF2 विच इज ज़ीनोन, कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF4 विच इज ज़ीनोन एज वेल एज HCO3 एंड कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF6 ओनली HCO3, यानी कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन से ज़ीनोन के ट्राइऑक्साइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी HCF4 से और HCF6 से। सेकंड इज बाय पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन, पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन से हम ज़ीनोन के ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं। ऑक्सीफ्लोरो कंपाउंड साथ प्रिपेयर और पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम HCF6 का करवा पाते हैं। HCF6 का जब वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं देन इट कन्वर्ट इनटू HCl, ये वहां पे वाटर हमने यूज किया है लिमिटिंग, यहां पे बनता है HCOF4 + 2HF, ऑक्सी टेट्रा क्लोराइड बनता है, और HCF6 का ही पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम 2H2O के साथ करवा सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू HCO2F2 प्लस HF, दो हैं तो यहाँ पे 4 हो गए, देन 4HF, ये कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन मतलब पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन से ऑक्सीक्लोराइड्स बनते हैं टेट्रा फ्लोरोक्साइड और ये फिर HCO2F2, पार्शियल हाइब्रिडाइजेशन से बनेंगे कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन से HCO3 बनता है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सो कंपाउंड है HCO3, sp3 हाइब्रिड है, पिरामिडल है, ज़ीनोन सेंटर में है, एक लोन पे है, और 3 ऑप्शन पिरामिडल ही इस टाइप से जुड़े हुए हैं, इट इज HCO3। कंपाउंड HCO4 भी बनता है जो कि इसी के ऑप्शन के साथ रिएक्शन से बनता है, sp3 हाइब्रिड है ये भी, बट ये टेट्राहेड्रल होता है, इट इज दिस, इसी टाइप से HCOF4, HCO4 इज sp3d2 हाइब्रिड, हाइब्रिड स्टेट होती है इसकी sp3d2,
एंड ये स्क्वायर पिरामिडल होता है। ज़ीनॉन एक ऑप्शन, चार फ्लोरीन इसके साथ जुड़ी हुई है और विद वन लोन पेयर। इसी टाइप से HCOF2 sp3d हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड स्टेट होती है इसकी sp3d, और इसके साथ साथ ही बैंड टी शेप्ड होता है। हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जीरो यहां पे एक्सियली दो फ्लोरीन होंगे, इक्विटोरियल एक ऑप्शन होगा और दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर इक्विटोरियल प्रेजेंट होंगे, तो इसकी बैंड टी साइड होगी ज्योमेट्री। ये था HCOF4, ये है HCOF2 एंड HCO2F2। ये भी sp3d हाइब्रिड होता है, सी सॉ ज्योमेट्री होती है इसकी, एक लॉन पेयर के साथ, ज़ीनॉन सेंटर में है, इक्विटोरियली सॉरी एक्सियली दो फ्लोरीन होते हैं और ऑक्सीजन होते हैं तो इक्विटोरियली, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो sp3d हाइब्रिडेशन के अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इक्विटोरियल पोजीशन को एक्वायर करता है, और जो एक्सियल पोजीशन है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर करता है। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है, वो तो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, एक्सियल पे, और ये दोनों किस पे रहेंगे, इक्विटोरियल पे विद वन लोन पेयर। ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी इसकी सीसा, और हाइब्रिड स्टेट कौन सी इसकी, sp3d। ये थे इनकी स्ट्रक्चर्स। जीनेट आयन बनता है अगर एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड HCF6 अंडरगोस HCF6 बेसिक मीडियम में OH- माइनस की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलाइज्ड है, इट कन्वर्ट इनटू HCO6-4 जीनेट आयन। आयन कौन सा बनता है, जीनेट, और ये आयन बनने की वजह से इसका यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस में एटॉमिक ज़ीनॉन सेपरेट होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्लस में एटॉमिक ज़ीनॉन के साथ साथ फ्लोराइड आयन एंड प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन की कंपाउंड प्रिपेयर होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टू यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो जीनोम थी यहाँ पे, उसी के साथ साथ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, फ्लोराइड को बैलेंस करने के लिए 12 यूज कर सकते हैं, 12 फ्लोराइड है, इसको मैं 16 यूज कर रहा हूँ, 8H2 यूज होगा, रेडिएशन, दो जीनोन है यहाँ पे, दो जीनोन है, फ्लोरिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे फ्लोरिन कितनी है 12 है, 16 ऑक्सीजन है, Then 6 plus 8, 14 plus 2, 16, और हाइड्रोजन यहाँ पे ये है, और 12 माइनस के ये है, और 4 माइनस के ये है, 16 माइनस का होता है, और 16 माइनस, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। यहाँ पे आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 18 कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो इनर्ट गैसेस हैं उनको जनरली हम यूज करते हैं किन किन कामों में, हीलियम है, वो स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के साथ हीलियम गैस को फिल करके लेके जाते हैं ताकि वो उसके पार्शियल प्रेशर को मेंटेन रख सके। इसके अलावा नियॉन है, आर्गन है, ये फिर बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है, इनर्ट गैसेस स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ज़ीनॉन का कोई ज्यादा यूज नहीं है, ज़ीनॉन के जो फ्लोराइड है उनको हम फ्लोराइजिंग एजेंट के रूप में या फ्लोरिन एजेंट के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। ये इनके जनरल वे थे, और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। चलो जी।